गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कौन से, जैसे आवेश, विभव, विभवांतर, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। तो हम आवेश से शुरू करते हैं कि आवेश क्या होता है। देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी पेन के रिफिल को बालों में रगड़ के और छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो छोटे कागज के टुकड़े उसके साथ चिपक जाते हैं, या अगर हम कंघी को बालों से रगड़ के हम कागज के टुकड़ों को उसके पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े उस कंघी से चिपक जाते हैं। ये कारण क्या होता है? ये कारण होता है कि वो रिफिल या वो कंघी क्या हो गई है, वो आवेशित हो गई है। मतलब क्या, रगड़ने से उस कंघी के अंदर या उस रिफिल के अंदर कोई ना कोई आवेश आता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। हकीकत में उसके अंदर आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से आएगा। सभी के सभी पदार्थ इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सभी परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और परमाणु में हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, उनका लेना देना नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, मतलब परमाणु से बाहर जा सकते हैं और कहीं से परमाणु के अंदर भी आ सकते हैं। तो जब वो रगड़ा जाता है तो रगड़ से क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे में चले जाएंगे या दूसरे से निकलकर पहले में आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस से उनके अंदर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा। आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, मतलब माइनस का आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से चले गए दूसरे में चले गए तो उसमें तो ऋण आवेश बढ़ जाएगा और पहले में ऋण आवेश कम हो जाएगा, मतलब धन आवेश हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस के कारण उसके अंदर आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश समझ लो, आवेश एक तरह से जितना भी आवेश है यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो हम देखते हैं आवेश, वो सब इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन के मतलब लेने देने से आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज है जो एक परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में जा सकते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, दो तरह के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो प्लस वाला और माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश इनको बोला जाता है। धन आवेश कब आएगा, जब किसी पदार्थ से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसके ऊपर आ जाता है धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसके ऊपर आ जाता है ऋण आवेश, ठीक है। ये तो हो गई भाई आवेश की बात। आवेश को हम इस चैप्टर में क्यू से दिखाएंगे, क्यू, क्यू आवेश मतलब चार्ज, ठीक है। इसको सिंबल है इसका क्यू, और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। बात समझ में आई? अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कूलाम को हम किसे दिखाएंगे, सी से। कूलाम क्या है, मात्रक है किसका, आवेश का, चार्ज का मात्रक कूलाम है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो अगर कोई कहे तुम्हें कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश बराबर किसमें है, एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अगर एक कूलाम आवेश की बात करें, एक कूलाम आवेश किसमें है, 1/1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा ये 6.25 × 10⁻¹⁸, ठीक है। मतलब क्या, इतना आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आएगा, मतलब एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, ये
एक कूलम आवेश के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये कहें कि इतने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो आवेश होगा वो एक कूलम आवेश के बराबर होगा, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, अब ये तो होगी भाई आवेश की बात, हम बात करते हैं विभव। विभव क्या होता है? ठीक है, विभव देखो जब भी कोई आवेश होता है उस आवेश का अपना एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहां तक उसका अपना एक प्रभाव होता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि ये कोई आवेश है क्यों इस पॉइंट पे, तो इसका अपना एक दायरा है, जहां तक इसका अपना एक प्रभाव है, जहां तक ये प्रभाव डालेगा उसको बोला जाता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उसमें इसका एक दायरा है, समझ लो इसका एक इलाका है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा आवेश इसके अंदर प्रवेश करता है, ये आवेश क्यों है कोई जो इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो इस आवेश के ऊपर एक बल लगेगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा, मतलब ये आवेश इस बल को धक्का देगा। हमें पता है कि एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाले को आकर्षित करता है, बल तो उसमें भी लगेगा, बस उसमें आकर्षण हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव के पास ला जाएगा तो वो उसको रिपेल करेगा, दूर करेगा, बल तो उसमें भी लगेगा लेकिन वो प्रतिकर्षित होगा। तो अगर ये समान आवेश है, मान लीजिए ये आवेश को इसके पास लेके आना है, तो ये आवेश इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, और इसको इसके पास लाने के लिए, इसके पास लाने के लिए इस आवेश के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। और वो बल कितना होगा, वो बल उतना ही होगा जितना ये आवेश इसके ऊपर लगा रहा है, मतलब जो ये बल इसके ऊपर लगा रहा है इसको पीछे धकेलने के लिए। अगर हम इसको आगे लेके आना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। मान लो इसके ऊपर बल हमने लगाया F और ये आवेश आगे पहुंच गया R, तो ये आवेश को यहां से यहां पहुंचाने में कोई ना कोई कार्य हुआ है। हमें पता जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए और वो वस्तु विस्थापित हो जाए तो उस वस्तु के ऊपर कोई ना कोई कार्य होगा, तो इस बल को यहां तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, कार्य ही किया जाएगा। ठीक है, तो देखो विभव का मतलब होता है, विभव समझ लो इसकी पावर, समझो इस आवेश की, समझ लो इसकी ताकत है विभव, तो वो कितनी ताकत है। अब इसकी जितनी ताकत है उतना ही कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को इधर लाने के लिए, क्योंकि तभी इसकी ताकत को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इसकी ताकत को कम करने के लिए हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसके विभव के समान है, क्योंकि जितना ये प्रभाव डाल रहा है तो इसके प्रभाव को न्यूट्रल तो करना पड़ेगा, तभी तो ये इधर आ सकता है। तो जो कार्य है इस आवेश को यहां किसी बिंदु तक लाने में किया जाएगा तो वो हो जाएगा इसका विभव। तो हम क्या कहेंगे, किसी बिंदु से किसी आवेश को, ये एक आवेश है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, या ये कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र जो इसका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है इस आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे आवेश को पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम कहेंगे विभव। विभव का मतलब ये समझ लो इस आवेश की कोई क्षमता है, इसकी अपनी एक पावर है, उस पावर को हमने कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी पावर को हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क से, जितना ये प्रभाव डाल रहा है उतना ही हमें काम करना पड़ेगा इसके पास आवेश को पहुंचाने के लिए, बस इसके उस पावर को हमने कार्य के रूप में परिभाषित कर दिया। कि इसका विभव का मतलब क्या हो गया, कि जब किसी आवेश को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाएगा, इसका विभव। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी, तो ये होगा विभव। अब विभव को हमेशा वोल्ट में मापा जाता है, वोल्ट। ठीक, एक विभव होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर हमेशा होता है दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हो सकता है, क्योंकि इसका अपना एक विभव है, यहां भी आवेश है, यहां भी आवेश है, तो इन दोनों के बीच
यहाँ भी विभव है, यहाँ भी विभव है, तो इन दोनों के बीच विभव में जो अंतर है उसको कैसे परिभाषित करेंगे? इन के बीच में जितना विभव में अंतर होगा उतना ही ये कार्य कर सकता है। मतलब अगर एक बिंदु से यहां से इस बिंदु तक आवेश को पहुंचाना है तो जितनी इसमें क्षमता है उतना ही तो ये पहुंचा पाएगा, और आवेश को पहुंचाने में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो सीधा क्या कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहा उसने? विभवांतर को हम वोल्ट से वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट, और विभवांतर को वी से दिखाते हैं, वी। ठीक है भाई, तो वी बराबर है किया गया कार्य किसमें, किसी आवेश को ले जाने में। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई विभवांतर। ठीक है तो वो विभव ही है, तो विभव जैसे इसमें बताया था उसने, लेकिन बस यहाँ इस बिंदु का विभव अलग है और इस बिंदु का विभव अलग है। ये समझ लो एक तरफ पानी अधिक है एक तरफ कम है, तो एक तरफ से पानी दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाएगा। ये समझ लो कि जहां पानी अधिक है वहां पे हमने कोई चीज उसमें डाल दी, उस चीज को जहां पानी अधिक है कम पानी वाली जगह पे उस चीज को पहुंचाया जाएगा। तो वो पानी का अंतर निकालना हमने कि भाई उस वहां पे कितना था और वहां पे कितना था, वो अंतर कितना होंगे बीच में, तो वो अंतर कितना होगा जो हमने चीज डाली थी उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, जो कार्य होगा, कार्य कार्य को हम ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हैं, जो ऊर्जा होगी तो वही तो उसका विभवांतर है। मतलब ज्यादा पानी कम पानी पे जितना कार्य कर सकता है, जितना अधिक, अब दोनों समान है मान लो, इतना ही पानी इधर इतना ही इधर है तो उनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, तो एक वस्तु को इधर डाल दो वो जाएगी नहीं दूसरी तरफ। लेकिन अगर इधर ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा है तो यहाँ एक वस्तु डाल दी तो इसको पहुंचा दिया जाएगा दूसरी साइड, तो वो पहुंचाने में जो कार्य होगा वही उनके बीच में अंतर था, मतलब वही क्षमता थी उसकी। ठीक है, विभवांतर। तो यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को पहुंचाने में किया गया कार्य वही इनके बीच में विभव का अंतर है। अगर इनके बीच में विभव दोनों में समान होता, अंतर ही नहीं होता, तो ये आवेश इधर से चलता ही नहीं। जितना ज्यादा अंतर होगा उतनी तेजी से चलेगा, उतनी मतलब इसमें ज्यादा ऊर्जा होगी चलने की, ऊर्जा ही कार्य है ये समझ लो। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में आवेश, आवेश को पहुंचाने में जो कार्य किया गया है वही होता है विभवांतर। तो ये विभवांतर को वी से निरूपित करते हैं और उसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है भाई, तो कार्य को मापा जाता है किसमें, जूल में। तो कार्य का मात्रक होगा जूल, और क्यों क्या है आवेश, आवेश को किसमें मापते हैं कूलाम में। तो विभवांतर का मात्रक क्या, मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम। विभवांतर का मात्रक होगा ना जूल पर कूलाम, लेकिन इसका वोल्ट मतलब इसका दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट। ठीक है, ये भी मात्रक है जूल पर कूलाम, लेकिन ये वोल्ट, इसको वोल्ट में मापते हैं। यहां से हम एक वोल्ट की परिभाषा निकालते हैं। मतलब देखो वी बराबर वन कब आएगा, वी का मान एक कब आ सकता है, जब ये भी एक हो और ये भी एक हो। मतलब वी बराबर है डब्ल्यू का मान एक, क्यों का मान एक, तो एक बटा एक, एक वोल्ट। तो एक वोल्ट कब आया, जब किया गया कार्य भी एक जूल है और आवेश भी एक कूलाम है, तब विभवांतर क्या आएगा, एक वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच एक वोल्ट विभवांतर कब होता है, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में एक जूल कार्य किया जाए, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो एक वोल्ट होगा। बात समझ में आएगी?
मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को पहुंचाने के लिए अगर एक जूल कार्य किया जाए तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा एक वोल्ट। ये सूत्र से हमने निकाल लिया। वोल्ट को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, मतलब विभवांतर को हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाएगा और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम दो क्रम होते हैं, वे जोड़ने के एक श्रेणी क्रम एक पार्श्व क्रम। तो वोल्ट मीटर को सदैव पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है मतलब प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध अत्यधिक किसका, वोल्ट मीटर का। याद रखना, मतलब जब मान लो इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हमने विभवांतर को मापना है तो वोल्ट मीटर को हम ऐसे जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में, तो इसमें सुई सी होती है वो हिलती रहती है ऐसे, वो दिखा देगी इसमें इन दोनों बिंदुओं के बीच कितनी वोल्टेज है, मतलब विभवांतर कितना है। यहां से करंट, देखो ये दोनों बिंदु ऐसे जुड़े भी होंगे तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो करंट जाएगा यहाँ से यहाँ। ये सिर्फ इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या बताता है, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच सिर्फ विभवांतर बताएगा भाई कि इन दोनों के बीच में विभव में अंतर कितना है, मतलब ये कह लो कि ये कितना आवेश वहां तक भेज सकता है। ये हो गया क्या, विभवांतर। ठीक है, एक वोल्ट विभवांतर क्या होता है उसकी परिभाषा पेपर में आती है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को सदैव पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक होता है, ये बात याद रखना। ठीक भाई, ये तो हो गया भाई क्या, विभवांतर। अब बात करते हैं हम परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ। देखो एक विद्युत परिपथ में एक तो वो चीज होगी जो मतलब विद्युत पैदा करती है, या मतलब ये कह लो कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। तो परिपथ से पहले हम देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, देखो विद्युत धारा आपने सुना होगा पानी की धारा, हवा की धारा, मतलब वाटर करंट, एयर करंट, मतलब कोई भी वस्तु अगर चलना शुरू कर देगी तो हम उसको करंट बोलते हैं। जैसे वाटर अगर तेजी से चले तो उसको वाटर करंट बोलते हैं, अगर हवा चल रही है तो हम उसको बोलते हैं एयर करंट। अब ऐसे ही अगर विद्युत चलना शुरू कर दे तो उसको बोला जाता है क्या, विद्युत धारा। और विद्युत का मतलब क्या है, आवेश का बहना। विद्युत तो कोई चीज है नहीं हकीकत में, समझ लो विद्युत का मतलब क्या, विद्युत मतलब है आवेश। तो आवेश या तो एक जगह स्थिर है, जैसे मान लो ये आवेश पड़ा है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे पड़ा है चल नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ये कोई चालक है, इसमें आवेश यहाँ से यहाँ चल पड़ा है। तो ये तो स्टैटिक करंट है, विद्युत मतलब आवेश है, लेकिन ये तो स्थिर है और इसमें अगर आवेश चलना शुरू कर देगा तो हम उसको बोल देंगे विद्युत धारा। या हकीकत में विद्युत कोई मतलब नहीं है, आवेश आवेश ही होती है, आवेश के चलने को ही विद्युत बोला जाता है। तो विद्युत धारा का मतलब होता है विद्युत धारा किसी चालक से आवेश के बहने की दर को, आवेश चल रहा है उसको बोला जाता है विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, मतलब यहां यहां से यहां इसमें आवेश जा रहा है, इस आवेश के बहने को बोला जाता है विद्युत धारा। लेकिन उसने कहा आवेश के बहने की दर, दर दर मतलब दर किसको बोला जाता है, दर का मतलब होता है किसी भी चीज का समय के साथ होना, मतलब समय के अनुपात में किसी चीज का होना उसको बोला जाता है दर। तो यहां समय के अनुपात में कौन सी चीज हो रही है, चालक आवेश के बहने की दर, मतलब आवेश का बहना किसका, समय के साथ, समय के अनुपात में, उसको हम कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से निरूपित किया जाता है भाई,
विद्युत धारा को आई से निरूपित किया जाएगा, मतलब सिंबल है किसका, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का आई। आई बराबर क्या है, आवेश के बहने की दर, मतलब आवेश क्यों, बहने की दर मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, आवेश चल रहा है किसके अनुपात में, समय के अनुपात में। तो ये सूत्र किसका हो गया भाई, ये सूत्र होगा किसका, विद्युत धारा का, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय। आवेश को किसमें मापते हैं, कूलम्ब में, समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो मात्रक क्या होगा, आई का, मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। लेकिन इसका दूसरा मात्रक है एम्पियर, क्या होता है दूसरा मात्रक, एम्पियर। और एम्पियर को किससे दिखाते हैं, ए से, बात समझ में आई। तो आई विद्युत धारा को, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, इसका दूसरा मात्रक क्या है, कूलम्ब पर सेकंड। तो अगर हम यहां से ये जानना चाहें कि एक एम्पियर कितना होगा, जैसे आई का मान एक कब आएगा, अभी जैसे मैंने पीछे समझाया था आई का मान एक कब आएगा, जब क्यू भी एक हो और टी भी एक है, तो ये दोनों कटेंगे तो आई आ जाएगा एक एम्पियर। तो एक एम्पियर कब आया, एक एम्पियर कब आया, जब क्यू मतलब आवेश एक कूलम्ब हो और समय कितना एक सेकेंड हो, तब आई का मान कितना, एक एम्पियर। तो एक एम्पियर की अगर हम परिभाषा दें, विद्युत धारा एक एम्पियर कब होगी, जब किसी चालक में एक कूलम्ब आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी, एक एम्पियर। तो किसी चालक में अगर एक कूलम्ब आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो उस चालक में उस समय विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, हो जाएगी भाई एक एम्पियर। बात समझ आएगी, विद्युत धारा को हम मापते हैं किसमें, विद्युत धारा को मापा जाता है भाई एमीटर, एमीटर से, ठीक है। और एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, देखो मान लो ये कोई चालक है, ये कोई, यहां पे अगर हम देखो ये है एमीटर ए, इसका एक तार यहां जोड़ दिया एक इधर दूसरी साइड, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। पार्श्व क्रम क्या होता है, मान लो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसके दो तार हैं, एक तार यहां जोड़ो एक यहां जोड़ो, इसको बोला जाता है पार्श्व क्रम, ठीक है। तो पार्श्व क्रम तो ये होता है इसके दोनों सिरों से जोड़ना, और श्रेणी क्रम होता है इसके एक सिरे से एक तार जोड़ देना, ये होता है श्रेणी क्रम। तो एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि एमीटर का काम है करंट को मापना, इसलिए इसमें अधिक से अधिक करंट जाना चाहिए, इसलिए जितना भी करंट आएगा वो पहले इस एमीटर से होके जाएगा, ताकि करंट को बता सके कि टोटल करंट है कितना। तो इसलिए इसके रेजिस्टेंस मतलब इसका प्रतिरोध भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध अधिक होगा तो इसमें से करंट गुजरेगा नहीं। तो क्या होता है इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध कम होता है। अभी मैंने बताया था वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक होता है, लेकिन एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। ये हो गया विद्युत धारा। अब बात आती है किसकी, विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ क्या होता है, देखो विद्युत परिपथ में एक तो होती है बैटरी, देखो ये तो होगा एक सेल, एक सेल और ये होगा दूसरा सेल। जब दो सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो बैटरी बन जाता है। तो एक सतत मतलब सतत और बंद रास्ते को, सतत तथा बंद रास्ते को बोला जाता है परिपथ। कॉन्टिन्यूस एक पूरा कॉन्टिन्यूस रास्ता, उसको बोलेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में एक बल्ब, ये बल्ब है समझिए, और ये लगा दी भाई हमने कुंडली, समझ गए। यहां कहीं पे भी तुम इसमें एमीटर भी लगा सकते हो, ये एमीटर लगा दिया। तो ये जो बनाया हमने रास्ता, इसको बोला जाता है विद्युत परिपथ। ये बैटरी का प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला होता है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है, याद रखना। तो ये होगा इसमें आई करंट, विद्युत धारा की दिशा, इसको बोला जाता है कुंजी। कुंजी मतलब स्विच, जिसको ये कह सकते हैं स्विच।
इसमें से इसको एक कुंजी होती है, जैसे भाई एक कुंजी ऐसी होती है जैसे ये है, इसमें अगर फिट कर देंगे तो कनेक्शन हो जाएगा। ये तार एक इस साइड है, एक इस साइड है, अगर इसमें कनेक्ट ये फिट कर दिया तो कनेक्शन हो जाएगा, तार मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहना शुरू कर देगी। लेकिन इसको निकाल देंगे तो कनेक्शन कट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, स्विच का काम करती है कुंजी। ठीक, तो इस सतत तथा सतत का मतलब होता है सतत, सतत मतलब कॉन्टिन्यूस, सतत तथा बंद रास्ते को हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। कई बार पेपर में आ जाता है कि विद्युत परिपथ का एक चित्र बनाइए, ठीक है, ये होगा। अब बात करते हैं भाई, प्रश्न है एक 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने के लिए प्रति इकाई कूलम्ब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो 6 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज दे दी, मतलब वी दे दिया कितना 6 वोल्ट, और प्रति इकाई कूलम्ब, प्रति इकाई का मतलब एक कूलम्ब, आवेश कितना है क्यू बराबर है एक कूलम्ब। कहता है कि प्रति इकाई कूलम्ब को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब एक कूलम्ब आवेश को, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ये एक कूलम्ब आवेश को भेज रही है तो उसके लिए कितना कार्य करेगी, मतलब W, क्योंकि इसने कहा कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मतलब जितना वो कार्य करेगी उतना ही उसके अंदर ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा निकालो या कार्य निकालो एक ही बात है, तो W निकालना हमने, हम पढ़ चुके हैं कि V बराबर है W बटे क्यू। विभवांतर क्या होता है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य, ये सूत्र होता है। तो V दे रखा है कितना 6, तो V की जगह आपने 6 लिख दिया, और W दे रखा है, W निकालना है, और क्यू दे रखा है कितना 1, तो ये इस साइड जाएगा गुणा हो जाएगा 6 गुणा 1 बराबर है W, मतलब 6 जूल, W बराबर है 6 जूल। तो प्रति इकाई कूलम्ब को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, याद रखना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, एक 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु जिसका विभव, देखो 2 बिंदु है कोई, एक बिंदु ये है मान लो A और एक बिंदु ये है B, कहता है कि एक 2 कूलम्ब का आवेश है Q बराबर है 2 कूलम्ब का आवेश है, जिस 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु जिसका विभव, एक बिंदु है 118 वोल्ट और दूसरा बिंदु जिसका विभव है 128 वोल्ट, ठीक है, पर जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो ये अगर इधर से इधर भेजना है तो इस उस वो वैसे तो आवेश जाएगा नहीं क्योंकि विभव साइड ज्यादा है, तो उसके ऊपर कार्य ही करना पड़ेगा तभी वो जा सकता है, वैसे तो नहीं जाएगा, या इधर से इधर जाए तो तब भी वो इतना ही कार्य करेगा, या इधर से उसको अपोजिट डायरेक्शन भेजे तब भी वो इतना ही कार्य करेगा। तो एक बिंदु का विभव दे रखा है कितना 118, दूसरे का कितना दे रखा है 128, तो विभव अंतर कितना आया, विभव में अंतर कितना आया वो निकालो। विभव मैंने विभवांतर लिख दिया, विभवांतर कैसे 128 माइनस 118 कितना आ गया 10 वोल्ट, ये आ गया विभवांतर। अब कहता है कि कार्य निकालो, तो W निकालना है कितना होगा, हमें पता है कि V बराबर है W बटे Q, ये सूत्र होता हमारे पास। अब रख दो इसको, V का मान आ गया 10, W निकालना है, Q का मान 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 गुणी 20 बराबर है W, मतलब 20 जूल कार्य किया जाएगा 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए 20 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 12 हमने शुरू किया, मतलब 12 चैप्टर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, इसके कुछ कंसेप्ट थे ये। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसमें है आपके वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।